हे गाइज, हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल फेस स्टाइल्स विद तोशी। एंड आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है मेरा ये जो फ्लिपकार्ट की बिग शॉपिंग डेज चल रहा था, उसमें मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो उसका सारे प्रोडक्ट्स मुझे आपको दिखाने थे एंड उसका रिव्यू शेयर करना था आपके साथ। एंड इसमें कुछ क्लॉथिंग आइटम है, मतलब क्लॉथिंग में सिर्फ कुर्ती वगैरह है एंड एक मैंने सैंडल ली थी, क्योंकि बाकी तो शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी काफी सारी शॉपिंग हो चुकी थी इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया है। एंड जो भी मैंने कुर्ती मंगाई है बहुत अच्छी है। सो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो फर्स्ट जो मैंने जो कुर्ती ली है वो है ये कुर्ती। मैंने पहन के देखी थी तो इसलिए इस तरीके से मैंने रख दी है, उल्टी भी है। तो ये जो कुर्ती है ये लिबास ब्रांड से है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। तो ये लिबास ब्रांड की कुर्ती है एंड इस पे पूरे पे गोल्डन प्रिंट हो रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से इस पे गोल्डन प्रिंट है और इसकी स्लीव्स पे आप ये देख सकते हैं, इस पे थोड़ा सा फ्लेयर है, हल्का सा फ्लेयर दिया हुआ है। 1/3 इसकी स्लीव्स हैं एंड इसका नेक कुछ इस तरीके से है। साइड में ये डिजाइन आएगी। ये जो गोल्ड प्रिंट है मुझे अभी नहीं पता है कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको मैं वॉश करने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो इसका रिव्यू भी मैं आपको बता दूंगी, बट अभी तो मैंने इसको वॉश नहीं किया है सो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे ऑल ओवर कुर्ती में डिजाइन है। एंड इसका जो मटेरियल है गाइस बहुत अच्छा है, पहनने में कंफर्टेबल है। आप किसी भी इसको सीजन में पहन सकते हैं, समर विंटर किसी भी सीजन में पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो इसका फैब्रिक है वो है विस्कोस रेयॉन, जो कि काफी कंफर्टेबल होता है। इसके पहले भी मैं आपको विस्कोस रेयॉन के कुर्ती का रिव्यू दे चुकी हूँ, काफी अच्छा मटेरियल होता है और ये कुछ हल्का सा कॉटन और उसमें मिक्स होता है। तो ये विस्कोस रेयॉन मुझे काफी पसंद है, काफी कंफर्टेबल होता है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। इसको मैं रेकमेंड करती हूँ, इसको आप लोग हल्की फुल्की जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह में भी इसको पहन के जा सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में। ओके, वो भी लिबास ब्रांड से ही है। सब कुर्तियां आपको ऐसे ही मिलेंगी, मैंने इस तरीके से रख रखी है क्योंकि सबको मैंने ट्राई की थी एंड ट्राई ऑन किया था मैंने। तो ये देखिए, तो ये कुछ रेड कलर की कुर्ती है एंड ये भी लिबास ब्रांड से है। ये देख सकते हैं आप रेड कलर की कुर्ती और इसकी जो स्लीव्स है उसमें भी डिजाइन आपको बहुत अच्छी डिजाइन मिलती है इस तरीके की। काफी अच्छा मतलब इसका जो डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, हल्का हल्का इसमें गोल्डन प्रिंट भी है और डिजाइन भी है कुछ इस तरीके से। आई हेट दिस नॉइज, सो आप देख सकते हैं। गली के बच्चे बहुत मतलब कैसी आवाजें निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की इसमें डिजाइन है, पीछे इस तरीके की डिजाइन है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो क्या है, इसमें फैब्रिक तो गाइस कहीं दिख नहीं रहा मुझे, बट ये भी विस्कोस रेयॉन में ही है, जैसा कि मैंने मतलब वाली कुर्ती और इसको मैं मतलब जब टच कर रही हूं तो दोनों एक ही जैसा स्टफ लग रहा है। ये बल्कि ज्यादा ही सॉफ्ट है उससे, बट ये भी विस्कोस रेयॉन ही है।
तो ये भी कुछ इस तरीके का मटेरियल है, काफी अच्छा है और हर टाइप के सीजन में आप इसको कैरी कर सकते हैं। एंड ये कुछ इस टाइप की कुर्ती है जिसे भी आप हल्के फुल्के फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में या कुछ छोटी मोटी। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो भी नहीं, वो लिबास से नहीं है, वो गेरुआ ब्रांड से है। एंड ये कुर्ती मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है क्योंकि मेरा ब्लैक कलर की कुर्ती लेने का मन था और ये जो मतलब जो मैंने इसे पहना था बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। पहले मैंने इसका स्मॉल साइज मंगाया था बट वो मुझे बहुत ज्यादा फिट था, मुझे लगा कि अगर ये मतलब जब वॉश वगैरह करूंगी तो थोड़ा बहुत तो श्रिंक करनी ही चाहिए क्योंकि करेगी ही, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका थोड़ा बड़ा साइज मंगा लेती हूँ, तो मैंने मीडियम साइज मंगाया है। एंड जो लिबास की जो दोनों कुर्ती दिखाई मैंने आपको उसका दोनों मेरा जो साइज है वो स्मॉल है, आप उनके साइज चार्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, मैंने उनके साइज चार्ट के अकॉर्डिंग ही अपना मतलब कुर्ती ऑर्डर की थी। सो इसका जो फैब्रिक है वो विस्कोस रेयॉन है एंड ये कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की कुर्ती है, इसमें इस तरीके से बटन लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, ये और ये बटन खुलता है और ये वाले बटन नहीं, ऐसे ही मतलब लगी हुई है। और इसमें 1/3 स्लीव्स हैं और गोल्डन कलर का प्रिंट है जो कि इसमें ऐसे लीफ लीफ बनी हुई है। ऑल ओवर कुर्ती में इसी तरीके की डिजाइन है, पीछे भी इस तरीके की ही डिजाइन है एंड ये जो ब्रांड है वो गेरुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप अगली सेल में ही लीजिएगा क्योंकि इस ऐसे तो हो सकता है इसको आपको मिल जाए इसी प्राइस में, बट लेकिन आप लोग सेल में लीजिएगा, ज्यादा आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी मेरे हिसाब से, तो सेल तो आती रहती है और सेल में लीजिएगा आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। नेक्स्ट जो एंड लास्ट जो मेरी कुर्ती है वो है ये भी कुछ ब्लैक कलर की कुर्ती और ये भी लिबास ब्रांड की ही कुर्ती है एंड जो इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है, ये कॉटन की कुर्ती है। इसका जो कुछ नेक जो है वो इस टाइप का है एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो 1/3 हैं एंड इस टाइप से इसमें डिजाइन है, ये डेली वेयर के लिए ठीक है। एंड पीछे भी कुछ इसी तरीके का इसमें डिजाइन हो रखा है एंड ये सिंपल कुर्ती है, इसको आप कहीं ऐसे ही मार्केट वगैरह या घर पे भी पहन सकते हैं जैसा आपका मन करे। तो ये कुर्तियां थी जो मैंने ली थी और अब इसके बाद
स्कर्ट ब्लैक कलर की, ये कुछ इस तरीके की प्लीटेड स्कर्ट है ये। इसमें जो मेरा साइज है वो मीडियम है, मीडियम साइज है। मुझे एक्चुअली में ना मुझे मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों मैं खो जाती हूँ तो मेरे को बड़ी देर में मतलब मिल पाता है। तो ये इस तरीके की स्कर्ट है, लेंथ वगैरह अच्छी खासी है, आप उनका साइज चार्ट देख सकते हैं, मैंने अपने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग लिया है। इसको उन्होंने वेस्ट लाइन कहा है, तो आप यहाँ पे मतलब मेजर करके खरीद सकते हैं। तो मैंने इसको दिखाया है ट्राई ऑन करके, तो आप देखिएगा किस तरीके की है, काफी अच्छा है और काफी अच्छा फ्लेयर भी है इसमें। तो बस एक चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी है, इसका जो मटेरियल है वो सैटिन मटेरियल है आई थिंक, एक सेकंड इसमें मैं देखती हूँ शायद लिखा हो, पॉलिएस्टर है, 100% पॉलिएस्टर मटेरियल है, और ये सैटिन में होती तो ज्यादा बेटर थी। और कपड़ा सी थ्रू तो नहीं है, बट इसमें लाइनिंग उनको देनी चाहिए थी, मैं इससे बहुत ज्यादा मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, इसमें एक भी लाइनिंग नहीं है, ये बस इसी तरीके से हल्की सी है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं एकदम बहुत ज्यादा हल्का हल्का लग रहा है, फील हो रहा है, जो कि अच्छी चीज है, बट इसमें लाइनिंग होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, एटलीस्ट नीज तक तो लाइनिंग देनी ही चाहिए थी। बाकी ये स्कर्ट पहनने में बहुत अच्छी लगी है, व्हाइट कलर के टॉप के साथ ऑसम लगेगी, एंड कोई पार्टी, कोई अच्छा सा टॉप अगर आप पार्टी वेयर लगा लेते हैं इसमें तो फिर ये आपको पार्टी वेयर लुक दे देगी। तो ये मैंने जो स्कर्ट ली है ये मुझे अच्छी लगी है, एंड ये जो ब्रांड है काफी टिपिकल नाम है इसका, मतलब टिपिकल नहीं काफी मतलब टफ नाम है, सासाफ्रास, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, देख सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगी यार, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। एंड इस स्कर्ट के बाद मैंने एक वेजेस ली हैं, तो वो वेजेस मैंने मतलब ऐसे ही मंगा ली थी, मुझे नहीं मतलब ये था कि इतना अच्छा आएगा, और प्लेन है, कुछ ज्यादा उसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं है, बट मुझे काफी अच्छी लगी है। वेजेस ली हैं, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी बेबी पिंक कलर की वेजेस हैं, इसमें ब्लैक कलर भी था एंड ग्रे कलर भी था, बट मुझे लग रहा था कि ये कलर ज्यादा बेटर रहेगा, आप ये किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा, जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ, कुर्ती एंड ऑल दैट सबके साथ चला जाएगा, और मुझे काफी अच्छी लगी। पहले मैं सोच रही थी कि देखती हूँ, इतनी अच्छी मैंने नहीं सोचा था, बट मुझे काफी अच्छी लगी, काफी सिंपल सी है, एलिगेंट लुक देती है आपको तो। और ये मुझे 400 की ही मिली है, बस 399 की, इतनी मतलब चीप प्राइस में आपको अगर एक सैंडल मिल रही है, इतनी अच्छी वेजेस मिल रही है, तो ये कोई खराब डील नहीं है, मुझे काफी अच्छी लगी है। मे बी इसका ट्राई ऑन शायद मैं मतलब शूट कर पाऊं या ना कर पाऊं, आई डोंट नो। तो आप ये देख सकते हैं, ये वैसे ही आप अगर आप अभी इसको अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपको 450 अराउंड तक तो मिल ही जाएगी, बट सेल में ये 400 तक आती ही है, तो आप सेल में ट्राई करिएगा, आपको मिल जाएगी। और तो ये थे मेरे प्रोडक्ट गाइस जो मैंने शॉपिंग में मतलब लिए थे सेल में, बिग शॉपिंग डेज में, एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे प्रोडक्ट्स भी पसंद आए होंगे। सो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज। और मैं इस बार फिर से बहुत लेट वीडियो डाल पाई हूँ गाइज, मेरी तबीयत बीच बीच में ठीक नहीं रहती है, सो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ, मैं हर बार सोचती हूँ कंटिन्यू रहूंगी, बट आई एम सो सॉरी गाइज। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय गाइज।